थे, बल्कि अभी शाम तक जो है बहुत कुछ खाया पिया, ये किया वो किया, लेकिन आपका पेट खाली हो गया। हो गया खाली ना सर? सबका पेट खाली हो गया? खाली हो जाता है, नहीं खाली हुआ तो हो जाता है। लेकिन एक सभा का ये मतलब है कि जब हम कुछ खाते हैं तो खाली हो जाता है, फिर भूख लग जाती है। लेकिन आत्मिक सभा इसलिए अरेंज की जाती है कि जैसे हमारे पेट को भूख लगती है ना, वैसे हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। आत्मा को भूख लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, नहीं लगती? आत्मा को नहीं लगता कि नहीं मुझे थोड़ी इसको भी खुराक मिल जाए। मैं दोपहर में बात कर रहा था कि आप जो है चाहे जितना खा लीजिए, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा चलेगा, पेट फिर खाली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि यदि जिंदगी में आपने सही सही 1 घंटा भी किसी अच्छे लोगों की संगति की, सही ज्ञान अर्जित किया, सही तरीके से सुन लिया और उसको अमल किया और आपकी आत्मा भर गई, तो जीवन भर काम आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कह रहा था ना कि हालेलुया कहां से बोलते हैं? मुंह से ना, कहां से बोलते हैं? कहां से? सही में आप लोगों ने दिल से बोला? कौन कौन बोला? हाथ उठाइए, जरा ताली बजाइए इनके लिए। सही बोल रहे हैं ना? जो केवल मुंह से बोलता है उसका मुंह से ही होता है। हम बात कर रहे थे, पहली बात ये थी कि जो भी कुछ खाएंगे आत्मा के बारे में था। जो कुछ भी खाते हैं पेट भर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लेकिन हमें देख लीजिए, कुछ हमारे भाई हैं एलडी सुमन सर जी को देख लीजिए, इन्होंने अपने आत्मा को भर लिया। पेट तो बार बार खाली होता है, खाते रहते खाली हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने आत्मा को भर लिया। क्या भर लिया? परमेश्वर के वचन को भर लिया, परमेश्वर की धार्मिकता को भर लिया, परमेश्वर के प्रेम को भर लिया, परमेश्वर की सच्चाई को भर लिया, परमेश्वर को साक्षात भर लिया। अगर ये भरा नहीं रहता ना, तो कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। जो चीज आपके पास नहीं हो, क्या किसी को दे सकते हैं? कोई दे सकता है? इसलिए ये आत्मिक सभा हुई कि देखिए चंगाई तो होनी ही है, जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे चंगाई हो जाएगी। लेकिन क्या आत्मा आपकी तृप्त है? अगर एक बार आत्मा आपकी सद्बुद्धि से, अच्छी बातों से तृप्त हो जाएगी, भर जाएगी, तो आप जीवन भर उसका इस्तेमाल करेंगे और लगातार वो चीजें बढ़ती रहती है घटने के बजाय। लेकिन पेट में डालेंगे वो घट जाती है, फिर भरना पड़ता है। लेकिन आत्मा में डालेंगे, सही चीज डालेंगे, उपयोगी चीज डालेंगे, सच्चाई डालेंगे, तो जीवन भर इस्तेमाल करेंगे, वो कभी घटने की नहीं। हालेलुया। और हम बात कर रहे थे प्रार्थना के बारे में, थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना कह रहे थे कि बातचीत है। अगर मुझे हिंदी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, तो क्या मैं आप लोगों से बातचीत कर पाता? बात कर पाता भैया? नहीं ना। आप एक अदना मात्र मनुष्य, भाई बहन है हमारे, हमारे बीच में रहते हैं। आपसे बात करने के लिए हमको हिंदी, भोजपुरी या यहाँ की लोकल भाषा जानना जरूरी है, और आप सोचते हैं कि आपकी बातचीत परमेश्वर से हो जाए, तो आपको परमेश्वर की भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? परमेश्वर क्या समझता है, क्या बोलता है, वो कौन सी भाषा समझता है, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, आना चाहिए। आप दिन रात प्रार्थना करते हैं, आप अपनी सुनाते रहते हैं, प्रभु सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो गुंडा बहरा हो गया है, क्योंकि आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, प्रभु आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा। ऐसी दुनिया में कोई भाषा नहीं है जो समझता नहीं है, लेकिन आपका तरीका सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कौन सी भाषा समझता है? हमारे भाई कल कह रहे थे, बल्कि बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? बाइबल का पहला वचन कोई पढ़ दे मेरे लिए भाई साहब, थोड़ा पढ़ दे जाएगा। पहला पढ़ दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? पूरी सृष्टि। हेलो, यू मे प्रोसीड।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और आगे बढ़िए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। दूसरा वचन, दूसरा वचन, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ठीक है, थैंक यू। आप पहला यूहन्ना, वो है ना यूहन्ना, उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन था। बोलिए वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम क्या बात कर रहे हैं? प्रार्थना के बारे में। क्या प्रार्थना करती बहन जी? कई महीनों से प्रार्थना कर रही है। इस बहन जी के लिए प्रार्थना कर रही, सुन नहीं रहा प्रभु, तो क्या प्रभु गुंगा बहरा हो गया है? मुझसे बात करने के लिए आपको हिंदी भोजपुरी आनी चाहिए या मुझे आपसे बात करने के लिए आना चाहिए? तो प्रभु से बात करने के लिए प्रभु की भाषा आनी चाहिए। और वो कौन सी भाषा है? ये बाइबल की भाषा है। कौन सी भाषा? अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानता, वो नहीं सुनेगा। आपकी भाषा कितनी भी सलोनी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को जानता है जो परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि जो परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है वो वचन को जाने, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और जो वचन को नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो कौन कौन परमेश्वर को जानता है? हालेलुया, सब लोग जानते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड पीपल। हाँ, बहुत बहुत परमेश्वर को जानते हैं सब लोग। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना यह है कि आप परमेश्वर से बातचीत करें और परमेश्वर आपकी सुन ले। वो केवल आपके मुंह से बोलने से नहीं सुनेंगे। यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, वचन के अनुसार आपका जीवन है, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कुछ भी आपको मार्ग दिखाया उस पर चलते हैं, यदि आप जाने अनजाने में एक बार भी बोलेंगे तो प्रभु सुन लेगा। जरा सुन लीजिए, हम लोग कल आए, कल आए कि नहीं आए? कल आए, आपसे बातचीत की, मुझे पहचानने लगे है ना? आज थोड़ा सा बातचीत की, पहचानने लगे है ना? अगर मैं अचानक आके आपके गांव वालों से किसी से भी बात करता तो लोग मुझे पहचानते नहीं। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर से बातचीत करनी है, परमेश्वर से परिचय बढ़ाना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बातचीत करनी होगी। और अगर आप लगातार बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे प्रभु आपको जान जाएगा और आपकी जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो तुरंत समझने लगेगा। जैसे आप फोन लगाएंगे, हेलो हाउ आर यू गॉड, तो एक बार भी नहीं बोलेगा उनका फोन कि नहीं मेरा बिजी है, तो मैं अभी किसी और से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ देर बाद फोन कर लेना। प्रभु हमेशा तैयार रहता है। जब आप फोन करेंगे तो आप जान जाएगा कि मेरी बेटी है, पिछले एक हफ्ता से मुझसे बात करी है, ये मेरा बेटा वही है जो रोज मुझे हालेलुया जय मसीह बोलता है, पिछले एक हफ्ता से मुझसे परिचय बना है, मैं इसको पहचान गया हूँ। और यदि आप बाइबिल से बातचीत नहीं करते, बाइबिल के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो प्रभु आपको नहीं पहचानता। आप कितना भी भाषा बोल लीजिए। जैसे बता रहे थे कि आप पांच तरह के मसीही हैं। कौन कौन से मसीही? तो पांच तरह के हो सकता है। आप साल में एक बार हालेलुया बोलते हो, महीने में एक बार बोलते हो, तो प्रभु इससे खुश नहीं रहता। आप बार बार परीक्षा में पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? यदि आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को जाने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही आदि में था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। Oh my goodness. Have your mercy upon her God now. Please. हम चाहते हैं सभी पास्टर इनकी तरफ हाथ करके इधर को थोड़ा सा इनके लिए दुआ करें। शायद आप लोगों की दुआ से परमेश्वर को थोड़ा सा तरस आए और इस बहन को इस परेशानी से प्रभु की चंगाई दे। हालेलुया प्रभु जी। सब लोग हाथ बढ़ाए। प्रभु जी दुआ करते हैं इस बहन के लिए, इस माता के लिए, कि तुम्हारी पुत्री है प्रभु राजा। आप जानते हो इसको क्या समस्या है, आप जानते हो
परमेश्वर किस वजह से है, लेकिन हम आपको जानते हैं प्रभु जी, इस संसार की कोई भी समस्या, कोई भी अंधेरे की ताकत तेरे सामने टिक नहीं सकती।